सो so, हेलो दोस्तों अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं लेकिन कुछ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है दो साल मिनिमम का और आपका सपना आईआईटी कानपुर जैसे वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड रिनाउंड और इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का है और आपने गेट एग्जाम नहीं दिया है तो बिना गेट स्कोर के आपको आई कानपुर एक अपॉर्चुनिटी दे रही है और जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है ई मास्टर्स डिग्री सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिग्री आपको मिलेगी आई आई टी ने इसको प्रस्तावित किया है और इसका कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में आपको डिग्री मिलेगी वैलिड है दूसरा सबसे अच्छी बात है कि आपको आई कानपुर का एल्यूमिनाई स्टेटस मिलेगा तीसरा सबसे अच्छा सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आई कानपुर आपके प्लेसमेंट को असिस्ट करता है और आई कानपुर का प्लेसमेंट आप सबको पता है और ये उन सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो क्लास में जाके क्लास अटेंड नहीं कर सकते बस थोड़ा सा ये है कि इसकी फ़ीस बहुत महंगी है एक साल की फ़ीस आठ लाख के से ऊपर पड़ जाती है इनका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का पहले तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ करता था अभी रिटर्न और इंटरव्यू है बट अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल हैं एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगता है कि आप निकाल लेते हैं उसको बट गेट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है ई मास्टर डिग्री को एक साल से तीन साल के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स हैं क्रेडिट्स हैं और वो जो क्रेडिट आपको मिलते हैं आगे आप पी या बाकी और कोर्स करते हैं तो उसके लिए उसमें हेल्प मिलता है एड ऑन होता है और आपको प्रियोरिटी दी जाती है सारी आईआईटी का एक्सेस लाइब्रेरी एंड ऑल मिलता है कैंपस इमर्जन भी होता है दो बार मैं खुद आईआईटी कानपुर से ई मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट ये मेरा कोर्स था एंड इट वाज अमेजिंग कोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत सारे दिमाग खुले बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए उसी की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क मैनेजमेंट विंड एनर्जी सारी कैटेगरी में जो जो ट्रेनिंग होती है वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी एक कोर्स है फाइनेंस एनालिसिस दूसरा कोर्स है बिजनेस इन बिजनेस फाइनेंस तीसरा है फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और कोर्स है पब्लिक पॉलिसी पावर सेक्टर रेगुलेशन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स है साइबर सिक्योरिटी है क्लाइमेट फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है बिजनेस लीडरशिप इन डिजिटल एरा है कोर्स क्वान्टिटिव फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट ये मेरा कोर्स है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक है तो इतने सारे कोर्सेस ऑफर कर रही है जिसमें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें परसू कर सकते हैं सो इट वॉज ऑल थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा थैंक यू बाय